जय दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ एक बड़ा विशिष्ट पैनल है। भाई सुनील चौधरी जी दिखाई दे रहे हैं गाजियाबाद से, और भाई एडवोकेट राजनारायण जी पंघाल साहब। 2 दिन ये एक अपने मित्र के परिवार में विवाह था, इंदौर चले गए थे। सर पंघाल साहब स्वागत है। जी, नमस्ते अजीत जी, नमस्ते सुनील जी, नमस्कार सुनील भाई स्वागत भाई, है। नमस्कार भाई साहब। सर बंगाल साहब, पीछे से दर्शकों ने काफी मिस किया आपको मैंने भी मिस किया सर, बहुत मिस किया और जब सुनील भाई की वीडियो आई ना, तो उसको जी। कई लोगों ने कहा कि इन दोनों महानुभाव को साथ बिठाओ। मैंने कहा जी बिठा देखिए देते। जी, तो इस बीच कल पुष्पेंद्र से मेरी बातचीत हो गई, और पुष्पेंद्र ने तो बहुत ही शानदार सर इनपुट्स दिए हैं। और राजनारायण जी, एक बार आप पुष्पेंद्र की जो वीडियो देख लेंगे ना, फिर मैं अगले पैनल में आप तीनों को बिठाऊंगा साथ। और जी पुष्पेंद्र ने जो अभी जो सर वर्तमान में यूपी की जो राजनीति है ना, उसमें जाटव वोट का क्या रोल है आज की तारीख में यूपी की पॉलिटिक्स में, और गठबंधन के दौर में जाटव कैसे वोट कर सकता है, करेगा, जाटव वोट में क्या क्या पॉलिटिकल फोर्सेस, क्या क्या आइडियोलॉजिकल चर्निंग चल रही है, पॉलिटिकल फोर्सेस कैसे काम कर रही हैं, जाटवों में एक नया इंटेलिजेंसिया तैयार हुआ है, उसका क्या रुझान है। बहुत अच्छा उन्होंने आज विश्लेषण किया जी। सर आज हम अपनी शुरू करते हैं, और आज भी हमारा जो केंद्र रहेगा ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा रहेगा जी। इसके बाद हम इसका विस्तार करेंगे आने वाले वीडियोस में राजस्थान तक। तो पहले तो मुझे पंगाल साहब आप ये बताइए कि पीछे जब नू मेवात में जब उपद्रव हुआ था, तो उस समय कई आवाजें एक साथ आई कि इस तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इस दंगे में खामखा आपको कूदने की जरूरत नहीं है, ये है वो है, ये तो हिंदुओं का मसला है, मेव तो हमारे भाई हैं, और इस टाइप की बहुत सारी बातें। हरियाणा में कुछ लोग वैसे भी मैंने देखे हैं जो उनको पता नहीं नाम क्या रखा हुआ है, यूनियनिस्ट रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं ही नहीं, हम तो जाट हैं। अच्छा, और इस पे मैंने भी बहुत सारी पहले भी कमेंट्री की है कि बीजेपी पूरे देश में सभी जातीय वर्गों में बढ़े हुए जो जनता है उसको एक अम्ब्रेला हिंदुत्व की छतरी के नीचे कंसोलिडेट करना चाहती है कि हमारी कोई जाति नहीं है, हम तो सब मिलकर हिंदू हैं। तो इस बीच ये जो लाइन है ना सर, आइडियोलॉजी की ये जो लाइन है, ये बहुत सारे क्षेत्रीय दलों को सूट नहीं करती, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का जो आधार है वो जातीय राजनीति है, और कुछ जातिगत वोट बैंक्स जो हैं वो उनके पेट वोट बैंक्स हैं, जिनको हम कई बार बंद हुआ वोटर भी बोल देता हूं मैं। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि ये यूनियनिस्ट जो हैं, जो कि अपने आप को हिंदुत्व से दूर करके एक अलग ही खिचड़ी पकाना चाहते हैं, और मुझे मालूम है उनकी संख्या मतलब अगर आप टोटल गिनेंगे तो 10-20 मिलेंगे पूरे हरियाणा में, या हो सकता है 1,500 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं है। पंगा साहब, आपको इस बारे में मुझे मालूम है, विशेष जानकारी है, जरा वो जानकारी शेयर करिए कि ये क्या फिनोमेना है, चाहते क्या है, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी सोच क्या है, प्लानिंग क्या है इनकी। जी अजीत जी, देखिए यूनियनिस्ट वर्ड जो सबसे पहले यूज किया था वो सर छोटूराम ने यूज किया था। उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई क्योंकि वो रोहतक में प्रैक्टिस करते थे और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस को छोड़ने के उन्होंने बहुत सारे कारण गिनाए और यूनियनिस्ट पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, चुनाव बन के वो उन्होंने वहां पे सत्ता
हासिल की और सत्ता चलाई बड़े धड़ल्ले, मतलब जब वो फौत हुए तो एक मिनिस्टर थे, तो ये वर्ड, और क्योंकि वो एक पढ़े लिखे भी थे, सेंट स्टीफन से ग्रेजुएट थे, और तो उस वर्ड को यहाँ के जो युवा थे, मेरे जस्ट जूनियर एडवोकेट मनोज धुवन जो जसिया गांव से आते हैं, तो मैं भी उस शुरुआती दौर में मैं साथ था इस मिशन के, कि छोटराम की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, कि छोटराम की विचारधारा आपके क्रम में दिखनी चाहिए, मतलब कि गरीब के लिए आप जिस भी फील्ड में हो उसके लिए आप काम करें, शोषित के लिए काम करें, तो और जो भी सत्ता है उससे आप वो संवैधानिक शक्ति प्राप्त करके वो काम कर सकते हैं, वो देवीलाल की विचारधारा से नहीं हो सकता, देवीलाल जी ज्यादा विपक्ष में रहे हैं, तो उस सोच से ये आई थी, लेकिन वो धीरे धीरे जो जो आगे बढ़ती गई तो वो किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा से वो प्रभावित होने लगे, वो छोटराम की विचारधारा को उन्होंने छोड़ दिया, और विरोध राजनीति में होता, मुद्दों पर विरोध होता है, आप व्यक्तिगत विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तिगत विरोध ज्यादा दिन नहीं टिक पाता, तो मुद्दों पे विरोध जस्टिफाई भी करता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुद्दे तो आपके खत्म हो गए, कुछ बातें थी ऐसी जो आर्य समाज से भी मिलती जुलती थी, मूर्ति पूजा का है या अंधविश्वास का है, तो बहुत सारा तबका ऐसा पूरे हिंदुस्तान में ही है जो मूर्ति पूजा या अंधविश्वास में, पढ़ा लिखा तबका तो उसमें विश्वास नहीं करता है, तो वो मिलती जुलती बातें थी, लेकिन उसका एक राजनीतिकरण होना, फिर आप अलग हो जाते हैं उन चीजों से, कि आप किसी भी राजनीतिक दल से विशेष जुड़े हुए या किसी भी धर्म में कोई राजनीतिक संगठन है, आप उस राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हो, तो फिर आपके ऊपर वो लेबल लगना 100% तय है। तो हमारे ये कुछ, आपने सही कहा कि उनकी संख्या 1000 के करीब है, लेकिन वो पढ़े लिखे युवा है, इन्फ्लुएंसर भी हैं, ऐसी बात नहीं है, वो अपना प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन वो अपना कोई समाज पे आने वाले समय में कोई असर डाल पाएंगे ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, कि फिलहाल जो सिनेरियो बनता रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने दो पिछली योजनाओं में जिस तरह से काम किया है, और एक कानून का छात्र होने के नाते 2003 में मैंने 5 साल का कानून का कोर्स किया, और अब 2 दशक हो गए हैं मेरे को सोसाइटी में रहते हुए, तो उन चीजों को जब हम, अब मैं मेरी एजुकेशन जो मैंने ली है उसमें मैं फिल्टर करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने कानून बने हुए हैं उनसे समाज इतना नहीं सही हो सकता, ना ही सही चल सकता, जितना कि हमारे धार्मिक गुरु हैं वो हमारे समाज को, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जनसंख्या का देश हम हो गए हैं, ये आंकड़े हो सकता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन हम हो गए हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को हमारे जो धार्मिक गुरु हैं अपने कथाओं से और जो पुराने वेद हैं उनसे बहुत समाज में बहुत समन्वय बना के रखते हैं, और अभी पिछले दिनों से आप देख ही रहे हैं कि ऐसा कोई अशुभ समाचार हमने किसी भी समाचार पत्र में या किसी भी समाचार टीवी पे या किसी भी सोशल मीडिया पे हमने नहीं देखा है, तो एक सौहार्दपूर्ण माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है, और इस माहौल को हम क्यों नहीं एंजॉय करें सही मायने में, तो जो 22 जनवरी आई है ये सही दिवाली का मैं मानूंगा, ये रियल में जो त्योहार मैं मानूंगा 22 जनवरी था, क्योंकि जो दिवाली हम अक्टूबर नवंबर में मनाते हैं अजीत जी, वो इतनी पोल्यूटेड होती है, नॉर्थ इंडिया में फसलें खेत बाहे जा है, पराली जलाई जा है, किसान अपने फसल को ठीक करता है, मौसम ठंडा होने लगता है, तो AQI 500 के करीब चला जाता है, तो उस दौरान नॉर्थ इंडिया में त्योहार मनाने का मैं नहीं मानता कोई सही माहौल है रियल में, मतलब आप 22 जनवरी 23 24 25 26 को अपना रिपब्लिक डे होता है, तो ये छुट्टियां अगर हर साल होने लग जाए तो पूरा परिवार एक साथ हो और अच्छे से खाए पिए पढ़ाई की बात करे, अब यही चलता रहे, मैं तो यही कामना करता हूं कि अब जो माहौल बना हुआ है
मेरे भारत देश में ऐसा ही बना रहे और सब ऐसे ही सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करे। जी अजीत जी, बंगाल साहब एक बात बताऊं, रिफॉर्म्स की, सुधार की, अपनी गलतियों को स्वीकार करने, सुधार करने, सवाल पूछने, तर्क करने, नए विचारों का प्रतिपादन करने की जितनी आजादी हिंदुत्व में है उतनी तो किसी अन्य धर्म में है ही नहीं। पहली बात, हम भाई जो हिंदुत्व है वो किसी एक इष्ट देव, किसी एक पुस्तक, किसी एक पूजा पद्धति और किसी एक फिलॉसफी को तो प्रमोट करता ही नहीं। वो तो अपने अनुयायियों को पूरी आजादी देता है कि चाहे जैसे, चाहे जिस इष्ट देव की, चाहे जिस पूजा पद्धति से आप ईश्वर की आराधना करें और या न करें, ईश्वर को माने या बिल्कुल न माने, नास्तिक हो जाए, इसके बावजूद आप हिंदू सनातनी बने रह सकते हैं। तो सर रिफॉर्म्स, अच्छा आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने रिफॉर्म्स हिंदुत्व में हुए हैं और जिस तरीके से हमने हमेशा समय के साथ वो इवॉल्व किया है, वो चेंज, तो सर यदि, अच्छा कमियां हैं समय के, अच्छा आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5 साल पहले जो सामाजिक, 5000 साल पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी वो आज निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन के साथ हम खुद को चेंज करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो यदि रिफॉर्म्स ही करने हैं तो इसके लिए हिंदुत्व को छोड़ने की या अलगाववाद की क्या जरूरत है? ये जो अभी हरियाणा में जो हिंदुत्व से अलग होकर किसी अन्य धारा में मिलकर राजनीतिक का, देखिए अगर उसमें वाकई रिफॉर्म्स की अगर मंशा दिखती तो अलग बात थी, कारण राजनीतिक दिखते हैं ना, और समाज में विद्वेष पैदा करके, समाज में अलगाववादी सोच पैदा करके यदि कुछ लोग अलग जाना चाहते हैं, अलगाववादियों से मिलना चाहते हैं, तो सर ये बात, इसको समाज स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं सुनील भाई, मैं आपको चर्चा में लेता हूं, आप ये बताइए, ये जो डिजाइन आपने देखा कि नू मेवात में जब उपद्रव हुआ तो कुछ लोगों को चिंता हो गई कि ये नू मेवात वाले रीजन में, क्योंकि ये नू मेवात में सारा मुस्लिम जो वोट बैंक है ये सब कांग्रेस का वोट बैंक है, और हुड्डा समर्थ जाटों का एक कांग्रेस का वोट बैंक है, तो इनको एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया कि कहीं ये जो युति है, ये जो यूनियन है, ये जो गठजोड़ है, ये इस रीजन में कमजोर ना हो जाए, और अगर जाट भी उसकी प्रतिक्रिया देते हैं या नाराजगी व्यक्त करते हैं या मुखर हो जाते हैं तो ये जो यूनियन बनी हुई थी, सेम यही स्थिति आपके मुजफ्फरनगर में थी सर? हमारे यहाँ ये वायरस हमारे यहाँ नहीं फैला, नहीं ये वाली की बात नहीं कर रहा हूं सर, जब मुजफ्फरनगर में हुआ था, मुजफ्फरनगर में जब ये 2013 में कांड हुआ था तो बहुत कोशिश की गई इसे जाट वर्सेस मुसलमान करा जाए, और ये रहा भी इसमें जो झगड़ा रहा वो दो ही कौमों का रहा, इन्होंने हिंदू मुस्लिम ना करके ये जाट वर्सेस कर दिया। उसके बाद फिर एक त्यागी लड़का मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उन्होंने वो मार दिया, तो फिर उन्होंने कुछ त्यागी फिर इस उसमें आए, इन्होंने बड़े प्लानिंग से ये जाट वर्सेस मुसलमान कर दिया था। किसने किया ये? ये जो अपना समाजवादी का टाइम था और हमारे चौधरी साहब कांग्रेस के में कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने का कोई कहीं किसी भी तरह का खंडन कुछ मतलब कोई भी तो वो नहीं आया उनका उस टाइम पे जी। ये समाजवादी ने बड़ा अच्छे से फैलाया कि भाई ये जाट वर्सेस मुसलमान है,
इससे समाजवादी पार्टी को फायदा क्या था? फायदा ये था, जाट और मुसलमान वहां एक था पहले जी, उससे समाजवादी को बड़ा नुकसान होता था वोटिंग में। अच्छा जी, जाट का और मुसलमानों का आना जाना ये सब बड़े नॉर्मल थे और एक वोटर थे ये दोनों। ठीक, तो इन्होंने इसे ब्रेक करना करा था ये कह के। मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी को जाट और मुस्लिम एकता से, वोट की एकता से नुकसान होता था, परंतु ये दोनों मिलके रालोद के वोटर थे। जी, रालोद ने गुरुजी इसमें जो भूमिका निभानी थी वो निभानी पाए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई जब ये जाट के लड़के जो इस कांड में इन्वॉल्व नहीं थे, जो गांव में नहीं थे, जो उस दिन मुजफ्फरनगर शहर में नहीं थे, रिश्तेदारियों में थे या कहीं काम से गए थे, ऐसे 1700-1800 लड़कों के 21-22 साल के जो पुलिस में आने थे, आर्मी में आने थे, उनको चुन चुन के गांव में से उनको उनकी FIR कराई गई, उन्हें बंद करा गया। मेरी दो दफा अजीत सिंह जी के यहाँ बात हुई, मैंने कहा सर एक काम करो, आप जो ये मुसलमानों के जो ये कैंप लग रहे हैं वहां तो आप गए थे मनमोहन सिंह जी के साथ, इसका बहुत बड़ा असर बिरादरी पे पड़ रहा है, आप एक दो दफे मुजफ्फरनगर कमिश्नरी पर धरना दो कि जो इसमें इन्वॉल्व है उन्हें इन्वॉल्व रखो और जो नहीं है इनोसेंट है उन्हें छोड़ो, उनकी लाइफ मत खराब करो, वो ना पुलिस में जाएंगे ना आर्मी में जाएंगे ना दूसरी कोई जॉब कर पाएंगे, वो सारे क्रिमिनल बन जाएंगे ज्यादा दिन रह गए। भाई जिस माहौल में रहेंगे, मंदिर में रहेगा तो भजन करेगा, घर में रहेगा पढ़े लिखेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, जेल में रहेगा क्रिमिनल के साथ तो क्रिमिनल बनेगा। तो मैंने कहा जी इनकी लाइफ खराब हो जाएगी इनकी, एक दो दफा कमिश्नरी पे जब आप बैठोगे, सरकार में हो, पावर है आपके पास, तो थोड़ा बहुत इसमें डिसीजन सही हो जाएगा, कुछ बच्चे बाहर निकल आएंगे। तो उधर से मैसेज ये था कि मुसलमान टूट जाएगा। तो मैंने जब ये कहा था आपसे पिछली में भी कहा था कि ये बिरादरी की राजनीति जो है, ये बिरादरी का जो नेता है, ये सबसे ज्यादा जहर बिरादरी के लिए ही है, इससे टोटली नुकसान बिरादरी का होता है, इनके परिवार के अलावा किसी का नहीं होता। चौधरी साहब, मुझे एक चीज याद आती है जी, दिल्ली में सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उसमें शायद सिविल एविएशन मिनिस्टर ऐसे कुछ मिनिस्टर थे चौधरी अजीत सिंह जी। जी, समाजवादी पार्टी को यह सूट इसलिए करता था कि जाटों की और मुसलमानों की जो राजनीतिक एकता है, वोट बैंक वाली एकता है, वो टूट रही थी। हाँ जी, और ये दोनों मिलके वहां पे रालोद का ग्राफ ऊपर करते थे। रालोद उन दिनों थी कांग्रेस के साथ जी, तो रालोद को कमजोर करना ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी थी, 100% यही थी जी। तो सर अजीत सिंह जी इस षड्यंत्र को या इस राजनीतिक चाल को क्यों नहीं समझ पाए? भाई आपके जैसे सलाहकार भी तो थे, आपके जैसे 10-20 और भी तो रहे होंगे, उन्होंने समझाया होगा कि भैया आप, भाई कांग्रेस की नीति है मुस्लिम तुष्टीकरण की, कांग्रेस मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहती तो वो मुसलमानों के कैंप में तो गए, जाटों को लवारिस छोड़ दिया समाजवादियों ने भी और कांग्रेसियों रालोदियों ने भी, तो बीजेपी। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, चौधरी आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी उस समय वो मेरे हिसाब से 32 या 34 MP छोड़ गए थे, सतप्रकाश मालवीय जैसे MP थे और उसमें तकरीबन 7 या 8 यादव MP थे, जाटों से ज्यादा चौधरी चरण सिंह जी की जो पहंच थी वो यादवों में थी, पहचान उन्होंने उठाई थी, राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने थे वो उनकी वजह से हुआ था सब। जब ये नरसिम्हा राव को जरूरत पड़ी थी MPO की, कब की बात है सर ये? जब नरसिम्हा राव बीच में प्रधानमंत्री बने थे तो कुछ शॉर्टेज थी तो उन्हें जरूरत पड़ी थी,
कुछ भले लोग कुछ मतलब एक्चुअल में होता क्या है जी, बहुत लेट तो ये राजनीति में आए, लंदन अमेरिका पढ़ते रहे चौधरी साहब, ज्ञान बिल्कुल था नहीं राजनीति का। राजनीति के जो कीड़े हैं उन्होंने ही ना जकड़ लिया आते ही, ये विरासत में मिल गई। जब इन्हें जकड़ लिया आते ही तो जो निस्वार्थ थे, जो चाहते थे देश के बारे में या बिरादरी के बारे में, जो जिन्होंने चौधरी स्वर्गीय चौधरी साहब से कभी कुछ डिमांड नहीं करी, वो एक सच्चे हितैषी थे। तो जब इस तरह के मक्कड़ जाल फैलता है तो भला आदमी जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता दूर हट जाता है, जब उसकी बात सुनी नहीं जाती, उसको थोड़ा सा अपमानित किया जाता है, तो स्वाभिमान आदमी और जो भला आदमी होता है वो फिर दूर हट जाता है, क्योंकि लालच तो है नहीं कि मुझे एमएलए एमपी या कहीं उसमें जाना है, एमएलसी में जाना है, तो वो सब हटते चले गए। तो कुछ लोग मवानस है, चौधरी रणबीर सिंह थे, मुजफ्फरनगर से भी थे चौधरी साहब, एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, महावीर जी थे, चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड, नोएडा रहते थे, भूपेंद्र उनके बेटे हैं। तो ये 10-12 आदमी, उन्होंने उनसे बात की थी कि ये बेस्ट टाइम है, इसमें आप बार्गेनिंग करो मिनिस्ट्री की, इसमें फाइनेंशियल लोन में मत होने देना, इसमें आप जो सबसे सीनियर एमपी हैं उनको प्रायोरिटी दो कि भाई हमें 4 मंत्री पद चाहिए या 5 चाहिए, और ये हमारे सीनियर जो एमपी हैं, सत्यप्रकाश मालवे जी थे और एक यादव जी थे, मैं उनके नाम मिस कर रहा हूं अभी, इनको आप मिनिस्टर बनवाओ और आप सरकार में आ जाओ। तो उसमें एक यहां दादरी के पास का प्रमुख था गुजर, उसके थ्रू सेटलमेंट हुआ फाइनेंस का, और वो फाइनेंस का अरेंजमेंट होकर वो सब हो गया, समर्थन दे दिया गया। भाई साहब आप सोचो 30-35 एमपी के पार्टी, आज उसकी इधर दुर्गति अगर सही डिसीजन और सही बात होती तो बताओ ना, रियासत में 30-35 एमपी मिले। अगर ये एक्चुअल में होता क्या, अगर ये चौधरी साहब के साथ पढ़ने के बाद शुरू से उनके साथ लगते, संघर्ष करते, गलियों में घुसते, गांवों में घुसते, लोगों से मिलते, लोगों की पहचान करते कि कौन हमारे फेवर का है और कौन चापलूस है, कौन लालच में हमारे साथ है, कौन निस्वार्थ है, तो ये लग के पता लगती है। समाज में आदमी सीखता है, वो समय सिखाता है इंसान को, मिलना सिखाता है। जब आदमी सामाजिक होता है तो बहुत चीजें सीखता है, जब समाज में बैठेगा नहीं आदमी सीखेगा क्या। मुझे एक बात बताइए पंगाल साहब, अभी ये एक रीसेंट फिनोमेनन, जब किसान आंदोलन हुआ पहले एक बार, हाँ जी, क्योंकि आपने इस वार्तालाप में मेरे को शामिल किया अजीत जी, और मेरी तालीम ने मेरे को सिखाया है, पहले भी वीडियो में आया और आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूंगा। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद किसी तालीम ने मेरे को नहीं लगता किसी इंसान को ये बताया हो कि धर्म में, पंथ में, जाति में क्या फर्क है, क्योंकि मैंने समाजशास्त्र पढ़ाया है लॉ के दौरान और आपने इस वार्तालाप में मेरे को शामिल कर लिया। तो मैं आपके दर्शकों को ये क्लियर कर दूं कि मैं इन शब्दों से बिल्कुल सहमत नहीं हूंगा। धर्म की तुलना धर्म से होगी, जाति की तुलना जाति से होगी, पंथ की तुलना पंथ से होगी। तो मैं सुनील जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जाट का झगड़ा मुसलमान के साथ था, ना, हिंदू जाट का झगड़ा मुस्लिम जाट के साथ था। ये बात मैं तो हां भरूंगा नहीं यहां पे, क्योंकि ये राजनीतिक दलों की भाषा है जो हमारे मुंह में डाल लेते हैं। देशवाड़ गोत के जाट थे, हिंदू भी देशवाड़ गोत के जाट थे और मुस्लिम भी देशवाड़ गोत के जाट थे। जो ये झगड़ा जब पैचअप हुआ ना, जब ये बताया गया भाई तुम तो एक गोत के जाट हो, तो आदमी सामाजिक रूप से उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो स्वार्थ बनाए। तो ये धर्म है, जाति है, ये ऐसी बात नहीं कि उन्माद ही करती हो। ये हमें भाईचारे से भी रहना सिखाती है। दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, भले ही उनका धर्म अलग अलग हो, अगर हम उनको ये बता दे भाई तू एक ही प्रदेश से है,
एक ही जिले से है, क्षेत्र भी काम करता है उसमें, तो ये हमारा फर्ज बनता है हम बताएं भाषा कि भाषा भी काम करती है, भाषा भी काम करती है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ जो आज मैं आपके वीडियो में भी आ रहा हूं, क्योंकि मैं कनेक्ट करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हम एक ही हिस्सा थे, क्योंकि यहाँ पे हरियाणवी बोली जाती है और आर्य समाज का बोलबाला है, घरों में हवन किया जाता है, और ये तो बॉर्डर इंसान ने बनाया है, हम नहीं बना, हमने नहीं बनाया, हमारे मनों में बॉर्डर नहीं है, मेरठ में जमुना बीच में आ गई। तो जब हरियाणा बनाया है अजीत जी, तो मेरे प्रोफेसर खुद मेरठ से हैं, डॉक्टर केपीएस महलवार, पता नहीं कितने लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सारा मेरठ से आए हुए हैं हिसार में। तो ये इलाका एक ही था भाषा और संस्कृति के आधार पर, और दिल्ली सूबा बोलते थे इसको, और 1913 में इसको अलग किया गया है, इसको अलग रीजन बना दिया इसको। अब भले ही जो यहाँ से पार्टीशन में जो लोग गए हैं पाकिस्तान में गए, वो हरियाणा से गए, हरियाणवी बोलते हैं, तो मैं तो उनको भी अपना ही मानता हूं कि जहां भी हरियाणवी बोली जाती है इस पूरी धरा पर, वो सब हमारे समाज का हिस्सा है। और हमारी युवा पीढ़ी को जी जी मतलब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस चीज को बताएं कि भाई जब तुलना होगी तो राजनीतिक दल की राजनीतिक दल से तुलना होगी, धर्म की तुलना धर्म से होगी। जो अभी ये जो हिंदू देखिए जी जी, मैं पांचवी क्लास में था तो मेरे हेडमास्टर थे, उन्होंने गांव से हमें 5 बच्चों को सिलेक्ट किया, नवोदय स्कूल खोले गए थे उस टाइम पूरे भारत में, कि इन बच्चों को हम टेस्ट दिलवाएंगे, ये ठीक ठाक है, मैथ इनका ठीक है। तो हम जी जब फॉर्म भरने लगे तो उसमें 4 कॉलम आए अजीत जी, तो ये भी पहली बार किसी वीडियो में बात आएगी और आप भी कनेक्ट करोगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो मैं देखे जी पांचवी क्लास का बच्चा था, मैं पेन मेरा मतलब रुक गया पेन कि भाई इसमें 5वां कॉलम क्यों नहीं है, कि मैं हो सकता है मैं किसी धर्म को ना मानता हूं, जरूरी है क्या मैं इसमें भरूं। लेकिन आज अजीत जी मैं 46 ईयर ओल्ड हो गया हूं, आज मेरे को ये लगता है कि जब मैंने देख लिया समाज को कि धर्म आपका जीवन जीने का तरीका है, धर्म आप कोई भी जीवन जीने का तरीका अडॉप्ट करो करो, और आपका व्यवहार और आपके कर्म समाज में दिखेंगे कि आप कैसे व्यक्ति हो। और अब जाके पूरे अब्रॉड भी मैं जाता रहता हूं, जहां भी हमारे भारत में जो पैदा हुआ है जन्म से वो किसी न किसी धर्म में और जाति में पैदा होगा, ये कहने से कि इस भारत में जात पात नहीं है, है भाई जात पात के नाम पे तो आपको फैसिलिटी मिलती है, आप रिस्पेक्ट करो, कोई भी धर्म का व्यक्ति मिले तो आप उसकी इज्जत करो, आपके व्यवहार से उसको ये लगना चाहिए कि वह क्या इंसान है। तो ये बहुत जरूरी था, मतलब कि जहर का इलाज जहर है, तो धर्म एक धार्मिक जो उन्माद हमारे दशकों से हुआ है भारत में, उसका यही एक तरीका था कि आप हिंदू धर्म को जो मानने वाले हैं उनको स्वाभिमान को आप ऊपर लेके जाओ, वो जहां भी रहते वो गर्व से कह सके कि मेरा जीवन जीने का तरीका सनातनी है, मैं सनातनी हूं और मैं प्राउड फील करता हूं, मैं इस धरती के किसी कोने पर रहूं, मेरे आस पड़ोस के व्यवहार से लोग खुश होंगे। तो ये बहुत जरूरी था, आज मेरे को ये समझ में आ रहा है। और यही अजीत जी कि आपकी वीडियो जितनी भी बनी है उनमें यही बात होती है कि तथ्य की बात, कि आज जैसे राहुल गांधी का आज सभी ने पढ़ा होगा कि अखबारों में ये आया है कि मैंने बैरिकेड्स तोड़े कानून नहीं तोड़ा, माफी चाहूंगा जो आपका विषय है उससे मैं थोड़ा अलग चीज ऐड कर दूं क्योंकि आज की न्यूज है। तो आप क्या युवाओं को सिखा रहे हो, सुनील जी आप भी इस बात से सहमत हो गए कि आप क्या युवाओं को सिखा रहे हो बैरिकेड तोड़ना, भाई कानून बैरिकेड लगाए किस लिए है, कानून तोड़ने की परिभाषा ही तो यही है। तो वो जितने भी ये गमछा पहन के राजनीतिक दल जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं, हरियाणा में भी जैसे इनकी यात्रा चल रही है, ये कितना ही लोगों के बीच में जा लें, राहुल गांधी रोज एक बात ऐसी बोलेगा और अभी संसद का सत्र आने वाला है जो मतलब समझ में ही नहीं आएगी कि भाई ये क्या कह रहा है ये राहुल गांधी, उन्हें बब्बर शेर भी कहा। हाँ तो मतलब आप युवाओं को, आपकी युवाओं को क्या सिखा रहे हो, आप क्या रोल मॉडल हो आप, तो
ये तो अजीत जी आपका धन्यवाद है, ये प्लेटफॉर्म आपने चलाया है जिस पे ये बात कह लेते हैं, वरना हमें तो भाई एनडीटीवी है, जी टीवी आज तक है, ये तो हमें कोई मौका देगा नहीं बात करने का। जी सुनील जी क्या बोलिए। मैं भी कट्टर जैसे कहते हैं ना आर्य समाजी हूँ, डेली हवन करके तब अपनी दिनचर्या चालू करता हूँ, सुबह हवन करता हूँ उसके बाद अपनी दिनचर्या चालू करता हूँ। अब सर्दियों में मैं ज्यादा कर रहा हूँ, वैसे मेरी मदर करती है, 93 ईयर्स ओल्ड है, तो मैंने कहा माँ अभी ठंडी है आप अपना रजाई में रहो, इस काम को मैं चालू करता हूँ, जब वेदर ठीक हो जाएगा तब बेशक आप कर लेना। ये पंगाल साहब, ये जो वहां के मुजफ्फरनगर के शब्द थे ये मेरे नहीं थे, देखो हाँ। मैं वहां गया हूं पंगाल साहब, मैंने हम लोगों ने तकरीबन 28-29 लाख रुपए इकट्ठे करे थे, जिन गरीब लोगों के 12 मोटर निकाल के पत्थर डाल दिए गए थे, हम ये चाह रहे थे उन्हें फौरी थोड़ा इंतजाम मिल जाए बोरिंग करने का, उनकी फसल खराब ना हो, जिनके ट्रैक्टर जला दिए थे, नए ट्रैक्टर के पैसे नहीं थे, तो हम इस चक्कर में थे भाई जेन्युइन खर्चा हो, ट्रैक्टर छोड़ दो मिस्त्री क्या ठीक करा के भेज देंगे हम। तो हमारा ये था, जो गरीब किसान है, जो 5-10 बीघे का किसान है जाट या कोई और भी उसमें आया, तो हम उसकी थोड़ी मदद कर देंगे, थोड़ा सा मलहम लगा देंगे। तो ये मेरे शब्द नहीं थे वहां के, ये आम लोगों के शब्द थे कि भाई ये गठजोड़ तोड़ने को ये सब झगड़े करे गए हैं। दूसरी बात, पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक बात बता दूं भाई साहब, के जो गांवों में जाट को गांवों में मैं भी जाता हूं, तो जो भी ये प्रेस वाले जाते हैं ये चंद कुछ लोगों से बात करते हैं, बीजेपी का वो जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, किसान यूनियन का और लोकदल का थोड़ा सा उग्र सा है, तो साइलेंट वोटर साइलेंट रहता है, वो तो हमेशा ये कह देगा जी जैसे काम चल जाएगा वैसे चल लेंगे, क्योंकि उस गांव में रहना है, उनके बच्चे कहीं अच्छे जॉब कर रहे हैं या कोई काम धंधे कर रहे हैं, वो कभी भी इतना उग्र होकर नहीं बोलेगा जितना किसान यूनियन का या लोक दल का कार्यकर्ता बोल जाता है कि गांव में नहीं है। और वीडियो में अजीत जी से यही बात हुई है, ऐसा ही यहाँ पे है, उड्डा के साथ जो जुटा हुआ है वो वैसा ही है सेम जो आप कह रहे हो सुनील जी। बीजेपी का वोटर साइलेंट है, बहुत साइलेंट है, और वो शांति से रहना चाहता है, वो गांव में टेंशन नहीं लेना चाहता है, सब है वो, सब है वोटर है, तो वो अपना काम जब आएगा वो करके चला जाएगा, ना बुराई ले ना कुछ ले। मैं जा रहा था, गांव था मंसूरपुर, तो 2-3 लेडी काम कर रही थी खेत में, मैंने बुलाया, मैंने अम्मा राम राम, राम राम भैया, मैंने कहा अम्मा कौन कैसे कर रहे हो वोट वोट की, क्योंकि भैया तुम किससे हो कौन लोग हो, मैंने कहा मैं वैसी निकल के जा रहा, मैंने ये पूछ लूं, अरे भैया हम तो वो हैं क्या कहते हैं कामगार टाइप के थे ना, फिर इधर को देखी हरिजन थे, वो कह रहे हम जोर से ना बोलते, बोलने नहीं चौधरी पीटेंगे, देखो काम तो मोदी और योगी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है साइलेंट है, वो गांव में डरते हैं, गांव में रहते हुए डरते हैं, उन्हें उनके यहां से ही वो लानी है घास फूस और अपना अगोले पगोले सब उनके यहां से लाने हैं, तो वे चुप रहते हैं। तो आप ये समझ लो आज भी अजीत जैन चौधरी जिस सीट पर लड़ेंगे उस सीट पर जो रेशो रहेगा मैं आपको बता रहा हूं 60-40 का रहेगा, 60% जाट बागपत सीट पे दे सकता है वोट, अदरवाइज 40% बीजेपी को, अदरवाइज अलग सीट पे जिस पे चौधरी जयंती नहीं लड़ेंगे उसमें 60-40 का रेशो रहेगा, 60 बीजेपी की तरफ, 40% जो लोक दल के हैं प्रभावित हैं खाने पीने वाले हैं वे उधर जाएंगे। उसके बाद भी हम पे बहुत वोट है, 27% ओबीसी वोट, ब्राह्मण वोट, हरि ठाकुर वोट, त्यागी वोट और पंजाबी वोट, वैश्य वोट, बहुत वोट है जी, कहीं कोई लोगों ने देख लिया, रोड पे चल के देख लिया, लोगों ने एजुकेशन देख ली, लोगों ने सुरक्षा देख ली, मतलब हर चीज देख ली लोगों ने, तो अब ये दिमाग से निकलने की नहीं इतनी जल्दी। सुनील भाई आज का मेरा विषय कुछ और है, मैं जी जी मैं वापस भाई साहब बंगाल साहब की बात पे वापस आता हूँ। सर हम लोग जातियों की इतनी आलोचना करते हैं और
जब जातिवाद जो है वो कई जगह खराबी करता है, पर मुझे एक बात बताइए, कैराना साइड में चौधरी हुकुम सिंह जी गुर्जर नेता थे, और ये जो मुनव्वर हसन नाहिद हसन फैमिली है ये सब मुसलमान है, पर गुर्जर मुसलमान है। और सर कुछ एक मसलों को यदि छोड़ दिया जाए तो इनमें इतना जबरदस्त भाईचारा है और कई मुद्दों पे इतनी एकता है, आप सोच ही नहीं सकते कि ये हिंदू मुसलमान है। तो सर इनको आखिर जो जो चीज जोड़ रही है वो क्या है? उनकी जो जातीय आइडेंटिटी है वही तो जोड़ रही है। यस हैं भाई, वो मुसलमान हो गए पर आज भी गुर्जर नहीं, सर मुसलमान हो गए, हिंदू उनके अंदर से हिंदू निकल गया, गुर्जर नहीं निकला। क्यों सर? बिल्कुल सही है, यही सेम चीज आप जाटों में देख लीजिए भाई। आज सिख भाईचारा और जाट भाईचारा, मेरे एक दोस्त हैं जी, वो ढकोली गांव है ना अपने बागपत में, ढकोली पड़ता है बड़े गांव के पास, ढिकोली ढाकाओं का बड़ा गांव है, ढाकाओं का बड़ा गांव है, और ढाकाओं की बड़ी पॉपुलेशन हरियाणा में है जी, सोनीपत में, रोहतक में, और बहुत। तो सर ढाकाओं का एक गांव पाकिस्तान में है जी, और इन पता नहीं कहां से ढूंढ लिया ढकोली वालों ने जी, भाई साहब पाकिस्तान चले गए, और क्या गजब का भाईचारा है आपस में। मतलब इसके बाद इन ढाकाओं के गांव ढूंढ लिए पंजाब में जो सिख हो गए। तो भाई साहब ऐसा समाज शास्त्र के एक स्टूडेंट होने के नाते, पंगाल साहब आप बताइए ना, लोग कहते हैं कि जाति विभाजन है देश में, विभाजित हो गया समाज है, सौमनस्यता खत्म हो रही है, कड़वाहट होती है, क्लैशेस होते हैं, पर जाति इतना जोड़ने का भी तो काम कर रही है ना। बिल्कुल, ये राजनीतिक दल अपनी वोट लेने के लिए ऐसा करते हैं। हमने हमारा पहला हमारे गोत्र का सम्मेलन किया अभी 5 नवंबर को, तो शाम से हमारा निकास है। तो मुल्तान में हमारे 4 गांव हैं, वो फिजिकली नहीं आ सके लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तौर पे जुड़े रहे, और उन्होंने अपना संदेश भेजा कि भाई जो भी आप फैसला लोगे आने वाले बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, खेलों के लिए, क्योंकि हमारी 2 अर्जुन अवार्डी हमारे पास, एक ओलंपियन पहले है, एक ओलंपियन अब होने वाली हमारी बेटी 19 साल की, तो इन चीजों को आगे उठा के युवाओं के लिए नेचुरल आपका खुद का रोल मॉडल हो, वैसा और बच्चे बने, तो ऐसा काम करती है, जाति भी करती है, गोत भी करता है, एकजुटता की बात करता है, और सब अपना अपना काम अच्छे से कर लो, सारा देश हो गया जी ठीक। लेकिन राजनीतिक दल जिनको वोट नहीं मिलते, वो अपनी सत्ता हथियाने के लिए अब ऐसे शब्दों को हमारे मुंह में डाल देते हैं, और हम उनके कैरियर बन जाते हैं। मतलब उन शब्दों को हम अपना दिमाग लगाएं तो उन शब्दों को हम रोक सकते हैं तुरंत, भाई इन शब्दों को हम आगे फॉलो नहीं करेंगे। तो अब समय तो लेना पड़ेगा आपको, तो मुझे लगता है कि अब भारतवर्ष में, हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में खासकर ऐसा समय आ गया है कि हम इन राजनीतिक दलों के इस चुंगलों से हमारी युवा पीढ़ी को हमें निकालना होगा, और अपना भाई खेलो, पढ़ो, अच्छा जीवन जीवो, इनके पीछे कुछ नहीं रखा। हम इतने, आप बड़े हो, आपने देख लिया, मन्ने देख लिया, तो ये इन्हीं इस तरह के कार्यक्रमों से अजीत जी हम सफल होंगे जरूर एक ना एक दिन, छोटा सा प्रयास है लेकिन ये बड़ा होगा एक दिन। पंगाल साहब, मुझे ये जो अब भाई साहब वाली मैं बात काट रहा हूँ, भाई साहब ने जो कहा है कि भाई हम पाकिस्तान में भी ढूंढन लगे सरदारों में, ये 2-3-4 साल से आया है, इससे पहले ये सब नहीं था जी, कि हम भाई पाकिस्तान में भी जाट ढूंढन लगे, हम सरदारों में भी जाट ढूंढन लगे,
ये अब मैं 2-4 साल से ज्यादा देख रहा हूं यूट्यूब पे, यूट्यूब बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है, तो मुझे ये अब फर्क 2-3-4 साल से ही दिखा, इससे पहले नहीं थी ये सब चीजें। शायद आप मेरे से बेटर जानते हो भाई साहब पंगाल साहब या भाई साहब रामदास जी, कि इससे पहले ये पाकिस्तान में कितने गांव हमारे हैं, कि बिरादरी के कितने हैं, हमें नहीं पता थी इन बारे में। यह गलत है भाई साहब? नहीं बिल्कुल, ये तो दिख ही रहा है जी। और ये 16 के बाद आया है जी, जो बच्चे जातीय दंगों में मर गए थे, जब समाज ने सोचा कि हमने इतने बच्चे मरवा दिए, पाया क्या, हासिल तो कुछ नहीं हुआ ना। तो जी हासिल तो जब होगा जब आप किसी को देखोगे कि उसने अच्छा किया है, फलाने के बच्चे ने अच्छा किया है, हमें भी करना चाहिए। तो आप ढूंढोगे सोर्स क्या है, अच्छा बनने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो जी ये 16 के, आप सुनील जी सही कह रहे हो, 16 के बाद हुई है चीजें। और ये सोशल मीडिया पे मलाजीत जी भी अभी 2 ही साल से आए हैं, हम भी 2-3 साल से आए हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, इसने जो बॉर्डर है, सीमाएं हैं, उनको पार पा लिया है। और ये भी जो वीडियो है, मेरे पास भी फोन आते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, देखते हैं तो इसकी कोई मतलब पूरे वर्ल्ड पे जहां जावे हिंदी भाषा है, हरियाणवी भाषा बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो वो देखेंगे। और ये पाकिस्तान भी देखते हैं इस वीडियो को, मेरे पास मैसेज आए, बड़ा जी भाई साहब अच्छा बोलते हो, जो क्योंकि यही तो एक माध्यम है ना जिससे पता लगता है कि आपके विचार क्या है। और सुनील जी अच्छा किया आज अजीत जी ने आपसे जोड़ के, और हमें भी सीखने को मिलेगा क्योंकि आप लोगों का अनुभव है इतना। जी अजीत जी भाई साहब मैं एक बात बताऊं, देखिए ये फैक्ट है कि सोशल मीडिया ने, मतलब मैं ये मानता हूं कि पिछले 100 सालों में दुनिया को बदल देने वाला जो सबसे बड़ा आविष्कार है, पहला है इंटरनेट, और इंटरनेट की वजह से ये जो सोशल मीडिया पैदा हुआ, इसने सर आम आदमी को एम्पावर कर दिया, मेरे को, आपको और दुनिया के हर व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को जिसके जिसके पास मात्र 3,000 रुपए वाला स्मार्टफोन है, जिसपे कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप चल जाती है। सर बुजुर्ग लोग जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, फोन नंबर नहीं फीड कर सकते अपने फोन में, हाँ जी, बिल्कुल सही फोन कह रहे हो। ढूंढ नहीं सकते, नहीं पर यूट्यूब वो भी चला ले हैं। सर यूट्यूब चलाना और उस पे वीडियो देखना उन्होंने भी सीख लिया, और यूट्यूब का जो सबसे अच्छा फीचर है जी, वो आपके मनोभावों को पढ़ लेता है, और उसका जो एल्गोरिदम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ये समझ जाता है कि इस व्यक्ति को किस टाइप का कंटेंट पसंद है, वही कंटेंट बार 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 उसको दिखाने लगता एकदम हूं। रिपीट होने लगता है, बिल्कुल सही कही तो है। सर बात ये ना कि सोशल मीडिया ने ओपिनियन बनाने में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, हालांकि वो उसको बहुत गंदे तरीके से इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करते हैं, पर समझदार आदमी उस इन्फ्लुएंस से अगर बच जाता है। अच्छा, उसके बीच में हमारे जैसे लोग हैं जो कि लोगों को ये चेताते रहते कि देखो यहां पे ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, इस इन्फ्लुएंस से बचना। और उसके बाद सर लोगों को जोड़ने का बहुत बड़ा काम जो है ना, वो व्हाट्सएप जैसे टेक्नोलॉजी ने किया, जहां ग्रुप्स बन जाते हैं, जहां आप अपना विचार एक ग्रुप में और ऐसे सैकड़ों ग्रुप्स में प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसके बाद आजकल 5 मिनट में कोई भी वीडियो, कोई भी विचार, कोई भी समाचार वायरल हो जाता है। तो आप, अच्छा सर ये जो सुनील भाई जो कह रहे थे ना कि 2016 में ये आया, सर वो 2016 में इसलिए आया कि 2016 में डाटा सस्ता हुआ, इसमें सबका बहुत बड़ा रोल ये मुकेश अंबानी की जियो का है। जी सर वो भी तो याद करो ना दिन, जहां 250 रुपए में 2 GB डाटा मिलता था, और अब जो है 200 रुपए में 60 GB 100 GB मिल रहा है। अनलिमिटेड हो गए अब तो, अनलिमिटेड हो गए सर। हाँ, अनलिमिटेड हो गया अब तो।
तो सर बात है कि ये जो सोशल मीडिया की जो क्रांति हुई ना सर, इसने दुनिया को वाकई, आपको याद होगा कि जब अनिल अंबानी की कंपनी थी ये टेलीकम्युनिकेशन वाली, तो उसका नारा था, अनिल अंबानी का नारा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मुट्ठी में है, और दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन के रह गई है। तो सर जब दुनिया अगर ग्लोबल विलेज बन के रह जाएगी, तो मैं अपना परिवार पाकिस्तान में और पंजाब में और वहां हैदराबाद में भी ढूंढ लूंगा। तो सर लोगों ने देखिए कल एक वीडियो आई कि किसी गुरुद्वारे में सिख जो रागी हैं वो भजन गा रहे हैं, शब्द गा रहे हैं, और बजलो राम 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 जोर जोर, मतलब बहुत ही जोशपूर्ण वो राम राम का भजन चल रहा था गुरुद्वारे में। तो किसी ने कमेंट किया कि भाई कुछ भी कर लियो खून पानी से गाढ़ा ही होता है। तो सर वो खून तो जोर मारेगा, तो खून को जैसे ही मौका मिला ना सर, जैसे ही डाटा सस्ता हुआ, क्यों जी, और जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, खून ने अपना खून ढूंढ लिया जी। और खून तो सर ढूंढ लेगा, खून तो लोग कहते हैं ना खून जोर मारता है सर, वो पता नहीं शायद हमारी डीएनए में कोई क्या इनबिल्ट ऐसा कौन सा तत्व है जो खून खून को पहचान लेता है, आप कितना ही छुपा लो। तो सर बात यह है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 22 जनवरी की रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, सर रामलला बहुत बड़े समाज को जोड़ने वाले कारक हमेशा से रहे हैं, और अब सोशल मीडिया के जमाने में रामलला एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं, जो कि देश और समाज के हर पहलू को, हर एक फैक्टर को भगवान राम प्रभावित करने जा रहे हैं। आपने एक जो बात कही ना कि उत्सव मनाने का टाइम 22 जनवरी सबसे ज्यादा सुटेबल है, कल यो ही बात वो asatyahindi.com के पैनलिस्ट बोल रहे थे कि देख लेना अब ये न्यू कहेंगे कि हमने दिवाली नहीं मनानी, हम तो 22 जनवरी मनाया करेंगे, और यो 22 जनवरी को इन्होंने एक नया पर्व ढूंढ लिया। तब तक आज अच्छा आप पता नहीं आपके मुंह से ये बात कैसे निकली, आपने कह दी जी 22 जनवरी इस देश को एक नया त्योहार मिल गया। तो खुशी मनाने का तो कितने दिन हो जी, खुशी मनाने के लिए तो उतने बढ़िया सर। वो आपको याद होगा पुराने जमाने में ना 80 के दशक में एक फिल्म आई थी उत्सव, शशि कपूर आई थी, और शशि कपूर रेखा की फिल्म थी उत्सव जी। उसमें एक मुझे भी, मैं उन दिनों बच्चा ही हुआ करता था, पर उसमें मुझे पता चला कि प्राचीन भारत में सर, वैदिक भारत में हम कुल 200 उत्सव मनाते थे सर, 200 जी। भारत उत्सवों का देश था, हमारा समाज इतना उत्सव धर्मी है कि हम तो दुनिया में किसी भी मौके को उत्सव बना लेते थे। आपको ध्यान होगा कोविड के टाइम क्वारंटाइन कर दिया लोगों को, तो आपको ध्यान होगा पहला जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया उस लॉकडाउन को, क्यों तो डिप्रेशन में आ जाए आदमी उस चक्कर में। तो सर हम तो लॉकडाउन को भी सेलिब्रेट करने वाली नस्ल है। और अजीत जी आपने जो रामलला की मूर्ति देखी, देखो मैंने मतलब देखता रहे, 2 बजे देखी, 3 बजे देखी, और ये जो फ्रेम बन रहा है ना अपना, अगर इसने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया जाए ना तो आपने मेरा मुंह भी सा लगेगा, तो मन ने दिखा है अगर रामलला जी सावर है। तो सुनील भाई एक बात बताइए जी,
22 जनवरी के बाद जी पॉलिटिकल सिनेरियो में जी आप क्या, आपने क्या बदलाव देखा पिछले 3 दिनों में? मैंने बदलाव जो देखा, बहुत बड़ा बदलाव तो एक महिलाओं में देखा है जी। इस 22 तारीख से महिलाओं में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। आदमी जब भी बिजी रहते हैं, काम पे रहते हैं, या ऐसे प्रकट नहीं कर पाते। खुशी तो बहुत थी, क्रैकर्स बहुत चले, लंगर बहुत चले, पर जो मैंने महिलाओं में देखा है ना जी, जो महिलाएं जब वो दिखा रहे थे, रो रही थी आंखों से, वो ये कह रही थी कि भाई हम सारी जिंदगी ये भूल नहीं सकते कि अपनी आंखों के सामने अपने जीवन में ये देख लिया। मैंने प्रैक्टिकली रोती महिलाएं देखी हैं। तो महिलाओं पे इतना बड़ा असर आया है इसका, वो किसी कास्ट की हो, किसी की वो, जो सनातनी है, जो हिंदुत्व है, वो सब इससे बहुत प्रभावित हुए हैं सर, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि ये जिस 22 तारीख को का जो देख के इसका बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, बहुत बड़ा फर्क आने वाला। पंगाल साहब आप बताओ। बिल्कुल जी, मैं तो देखो मध्य भारत में था उस दिन, और मैं अलग प्रदेश में था, अलग रीजन में था, और मैंने वहां देखा कि जो वो बारात के लिए जो लेकर आ रहा था, वह बग्गी जिसमें वो बैंड बाजा है, वो उस पे झंडा लगा हुआ, और वो उसने गाने से ही शुरुआत करी, राम के गाने से ही। मतलब विवाह शादियों में लोग बिजी थे 22 तारीख को, बहुत अच्छा मुहूर्त था, और लोगों ने जो फेरा का मुहूर्त था वो मुहूर्त बता रहे, क्या था भाई, अच्छे काम करने का यही मुहूर्त है। 12 से 1 बजे तक के बीच में दिन में शादियां थी, तो लोगों से मिला वहां पे मध्य प्रदेश में, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो पूरा झंडे ही झंडे, और लोग हर्षोल्लास से वो निकल रही हैं, यात्राएं निकल रही हैं, और रात तक, मतलब रात ने भी मैंने नाचते कूदते। रामदास जी, कुछ लोगों ने अपने बच्चों का ऑपरेशन ही, जो सिजीरियन होना था, ऑपरेशन बच्चा होना था, वो उस टाइम पे कराए हैं। ऐसे तकरीबन आज गाजियाबाद के अखबार में फोटो छपे हैं, जो गाजियाबाद में 19 बच्चे हुए हैं उस टाइम पे, कराए लोगों ने वेट करके। तो आप देखो ना इस बात को। तो सर कुल मिला के जो बहुत ऐतिहासिक दिन था ये, एक बहुत, और मैं तो सड़क से यात्रा करी मैंने तो अजीत जी, मैं मथुरा आगरा ग्वालियर के बीचों बीच गया हूँ, और आते वक्त में आया हूँ झालावाड़ कोटा दौसा लालसोट, वहां से आया हूँ, मतलब शहरों के बीचों बीच आया हूँ मैं तो। मतलब हर जगह लोगों ने लगा रखे थे झंडे, लगा रखे थे, कनात लगा रखी थी, प्रसाद बांटा जा रहा था, और कुर्ते पजामे पहन रखे थे, मतलब रंग बिरंगे। तो ये देखो, ये तो मन से ही होता है जी, ये चीजें आप किसी को फोर्सली नहीं करवा सकते। तो हर आदमी के मन में हर्षोल्लास था। रास्ते में गाड़ी भी रोकी हमने, चाय भी पी, लोगों से बात भी की, लिफ्ट भी दी, क्योंकि हम दो ही जने थे गाड़ी में, तो बात करते हो बड़ा मस्त रहा जी। मेरे चार दिन दे जो, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, और ऐसे मौके पे मेरे को जाने का मौका मिला, तो हर साल में जाया करूंगा, मैंने इस दिन को चुन लिया, रोड यात्रा करा करूंगा। सर जी, आज कल की रिपोर्ट ये है कि अयोध्या जी में इतनी भयंकर भीड़ उमड़ पड़ी कि प्रशासन के आत्मा फूल गए, और योगी जी को खुद मॉनिटरिंग करनी पड़ी, और अंत में तो ये स्थिति आ गई कि अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई कि भैया आज कोई बस नहीं आ रही कहीं से भी, लखनऊ से बस बंद कर दी, इलाहाबाद से बस बंद कर दी, अयोध्या कोई बस नहीं आ रही, सील कर दी सर, कि अयोध्या में प्रवेश वर्जित है। मेरे दोस्त हैं वो दर्शन को गए थे इधर, वो कल रात लगे थे लाइन में 9:15 बजे, उनका अभी फोन आया है कि ना थकावट थी ना ठंड थी,
और दिल ये कर रहा है कि मैं 17 घंटे खड़ा होकर दोबारा फिर लाइन में लग जाऊं, एक दफे फिर दर्शन कर लूं। पर वो ये कह रहे हैं, मैं ये सोचता हूं कि मेरे ना एक दफे और जाने से किसी एक आदमी को परेशानी हो जाएगी, तो कह रहे तब हम वापिस चल रहे हैं, नहीं मन नहीं भर रहा वहां उनके दर्शन करने से। नहीं तो थकावट है जी, लोग बता रहे हैं कि अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है, रोज 5 लाख लोग दर्शन करेंगे। हालांकि प्रशासन इस संख्या को रेगुलेट करने की कोशिश में है कि नहीं, इतनी भीड़ हम इकट्ठी नहीं होने वहां दे सकते, वहां कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई स्टैम्पीड हो जाए, कोई भगदड़ हो जाए, तो बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या को रेगुलेट किया है। पर सर रोज 1.5-2 लाख तो फिर भी दर्शन करेंगे, सर ये भीड़ क्या वोट में भी ट्रांसफर हो जाएगी, क्या ट्रांसलेट हो जाएगी, आपको लग रहा है? 200% जो एक दफे दर्शन कर आया, जो उस भव्य मंदिर को आंखों से देख आया, या जिसने टीवी में भी देख लिया, सर वो ट्रांसफर हो चुका है। गैर पार्टी का वोटर भी 200%। पंगल साहब आप क्या कहते हैं? मैं तो जी इसमें कोई दो राय है ही नहीं, मतलब प्रश्न ही नहीं बनता, आप क्यों पूछ रहे हो? ये तो जब घोषणा हुई थी 22 तारीख को हो लिया ना, इसके बाद तो ये प्रश्न ही नहीं बनता, ये तो कोई बात ही नहीं है। अंदर एक यादवों का गांव है, बहुत बड़ा गांव है, भमेटा, हीरो का गांव है, गाजियाबाद से लगा हुआ भमेटा गांव है, भमेटा जी हीरो का गांव है यादवों का, हमारा वहां से दूध आता था। कल आप अपने अपनी गाय रख रखी है, 3-4 देसी गाय रख रखी है मैंने, तो कल वो दूध वाला मिल गया मुझे सुबह। मैंने कहा भाई क्या हाल है, कह रहा जी पूरा गांव जो है राम में हो गया, पूरा गांव राम में हो गया, इन सालों में कुछ नहीं रखा बाकियों में। ये अहीर यादव का कहना था जी, यू कह रहा है अगर ये पुजारी हैं तो मथुरा छुड़वा लें, हम इनके साथ हो जाएंगे। हिंदू तो हिंदू है ना जी, सनातनी सनातनी है, कभी तो जगेगा, कभी तो आंख खुलेंगी, जब इतना भव्य कार्यक्रम देख लिया तो फिर कब। आप 100% समझो ये परिवर्तन आ गया, मैं पंगाल साहब की बात से सहमत हूं कि ये तो क्वेश्चन पूछने लायक है ही नहीं। एक बड़ी बात कह दी आपने सुनील भाई, बहुत बड़ी बात कह दी, और मैं भी ये परसों से कह रहा हूं लगातार कि भैया काशी मथुरा का बीड़ा तुम उठा लो, हम तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। क्यों? हम तो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि काशी मथुरा का झंडा आप उठा लो, समर्थन ही कर दो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, वादा है। मत करो, समर्थन कर दो, खुले मंचों पे कह दो कि बीजेपी जो कर रही है हम उसको खुला समर्थन देते हैं, इतनी कह दो बस। ये अगर ये कह दे कोई सा भी, इतनी कहलवा दो बस कि बीजेपी का बनारस में जो है और मथुरा में जो है हम उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं, जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। भाई हमारी छीनी हुई चीज कोई तो हम मांग रहे हैं, उनकी लीव तो नहीं मान रहे हैं। अगर तुमने मेरी गाड़ी छीन ली और मैं पुलिस लेके तुम्हारे पास मांगने चले गया, मैंने कौन सा पाप कर दिया? पाप ही छीनने थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो अपनी छीनी हुई को घर वापस ला रहा हूं। तो पंगाल साहब क्लोजिंग रिमार्क, इसके साथ आपके रिमार्क के साथ हम आज की चर्चा को विराम देंगे, आज आपका क्लोजिंग रिमार्क दे लेते हैं पंगाल साहब। जी बिल्कुल, देखो युवा जो शिक्षा के क्षेत्र में है और जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस पीढ़ी पे ये बहुत बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, और बहुत सौभाग्यशाली है कि उनको अपनी युवा अवस्था में ये चीजें देखने को मिली हैं। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो चले गए हैं पिछले कुछ दिनों,
तो वो भी अगर देख पाते तो बहुत अच्छा रहता। उनके परिजन भगवान से यही दुआ मांग रहे होंगे, काश वो दिन ये देख जाते, हिंदुस्तान नहीं होने के नाते। खैर कोई नहीं, बहुत अच्छा ये माहौल बना है, और हम सभी मिलके ये प्रयास करें कि ये माहौल ऐसा ही हमारा आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके लिए बना रहे, ताकि वो देश के निर्माण में अच्छे से योगदान दे सके। युवा पीढ़ी के लिए माहौल बना रहे और देश के निर्माण में हमारी युवा पीढ़ी अपना योगदान दे सके। सहयोग इन्हीं शब्दों के साथ साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को आज की ये परिचर्चा पसंद आई होगी। बहुत जल्दी सर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। पंगाल साहब, राजनारायण पंगाल जी और सुनील चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शकों, अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, इसी विशिष्ट पैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद भाई।